हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज के इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स टुनाइट क्या रहने वाली हैं। तो टुनाइट की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं हम। ओके व्यूअर, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप उस पर्सन को विजुअलाइज़ करते रहें जिसको भी सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके व्यूअर्स, और ये रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, यहाँ हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए, और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्स, टू ऑफ वॉन्ट्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ट्स। और यहाँ पर साइन है एयर साइन कुंभ मिथुन तुला, एक्वेरियस जेमिनी लीब्रा, फायर साइन मेष सिंह धनु, एरीज लियो सजिटेरियस एंड वाटर साइन मीन कर्क वृश्चिक, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर जो नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है 2 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 1 नंबर। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं ये। और कहीं ना कहीं ये नंबर्स ना आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, या तो आप इन डेट्स में अपने पार्टनर से मिले हो सकते हैं, या फिर अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई मिलेगी आपको इन डेट्स में, या फिर कुछ लोगों की मुलाकात इन डेट्स में अपने पार्टनर से हो सकती है। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो एक बात तो क्लियर है, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है और 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ये कार्ड्स हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है और इंतज़ार कर करके थक गया है। देखिए, ये पर्सन बहुत अकेला और लोनली फील कर रहा है आपके बिना। इस पर्सन के दिल में बहुत नेगेटिविटी आ गई है। इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब आपसे इसकी मुलाकात होगी, कब ये आपसे मिल पाएगा, कब ये आपको फेस टू फेस देख पाएगा। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोगों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं है। हो सकता है आपकी मुलाकात ऑनलाइन हुई हो, या फिर ज़्यादातर लोगों की बात ना कॉल मैसेजेस में ही होती है, मुलाकात बहुत कम होती है। तो ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है मुलाकात का। ये पर्सन एक मुलाकात तो चाहता है आपसे, और उस मुलाकात के लिए ना ये पल पल ऐसे तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं एक मुलाकात के लिए। तो देख रहे ना, इस पर्सन की बेकरारी और बेचैनी हमें एट ऑफ सोर्स के कार्ड से भी बयां हो रही है। ये पर्सन कितना स्टक फील कर रहा है। ये पर्सन का दिल बहुत चाहता है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, बट ऐसा लगता है कि इसे तो जैसे कि इसके पैरों पर बेड़ियों ने रोक रखा है, इसके पैरों में जैसे बेड़ियाँ सी पड़ गई हैं। ये चाहे भी आपसे मिलना तो नहीं मिल सकता, क्योंकि मजबूरी है यहाँ पर। इस पर्सन के चारों ओर इसे अपने मजबूरियाँ ही मजबूरियाँ नज़र आ रही हैं। ये पर्सन खुद को बहुत मजबूर, असहाय और लाचार महसूस कर रहा है। इस पर्सन की बहुत ख्वाहिश है आपसे मिलने की, इस एनर्जी से बाहर आने की। तो ये पर्सन ना खुद को स्टक पा रहा है, ट्रैप्ड सा महसूस कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी शिकारी ने ना एक जाल बिछाया है, और ये बेचारा उस जाल में फंस कर रह गया है। उस जाल से निकलने की कोशिश भी करे तो नहीं निकल पा रहा, आपके पास आना भी चाहे तो नहीं आ पा रहा, आपसे मुलाकात करना भी चाहे तो भी नहीं कर पा रहा, आपको फेस टू फेस देखना भी चाहे तो नहीं देख पा रहा। इस पर्सन का दिल नहीं लग रहा आपके बिना। अब ये पर्सन आपको हक करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपके करीब बैठना चाहता है, आपको मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ देखना चाहता है सामने से बैठकर। तो ये पर्सन आपसे एक मुलाकात के लिए बहुत तरस रहा है यहाँ ऐसा लगता है। और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी भी ना यहाँ पर सेम ही है, देख रहे ना क्वीन ऑफ कप्स है। तो इस पर्सन के और आपके इमोशंस एक दूसरे से छुपे नहीं हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को याद करके बहुत इमोशनल हो रहे हैं, और आज रात भी आप दोनों एक दूसरे को याद करके बहुत इमोशनल होने वाले हैं। ये एहसास ही आपको तड़ पा रहा है कि आप दोनों कल वैलेंटाइन डे पर मिल भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से शायद नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है कॉल मैसेजेस में तो बात हो रही हो और होती भी रहे, बट हाँ फेस टू फेस देखने की जो ख्वाहिश है ना आप दोनों की एक दूसरे को, वो शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना मजबूरियाँ ही मजबूरियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये पर्सन खुद को इसी एनर्जी में फील करेगा आज रात। इस पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस बहुत हाई रहेंगे आज रात। ये पर्सन आपको फील करेगा, बहुत ज़्यादा मिस करेगा, आप दोनों ही एक दूसरे को मिस करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो आज रात ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में रहेगा, आपको बहुत मिस करेगा, बहुत याद करेगा, आपके लिए बहुत प्यार फील करेगा। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।